दोस्तों सिंध की तारीख 8000 साल पुरानी है, जिसका शुमार मेसोपोटेमिया और मिस्र के साथ दुनिया की तीन इब्तदाई तहजीबों में होता है। सर जॉन मार्शल्स ने 1920 में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज से इस बात को साबित किया। वादी सिंध में बहने वाला वसी और अरीज दरियाए सिंध इस तहजीब की सबसे बड़ी बुनियाद है। नाजरीन, हमें हमेशा बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सबसे कदीम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी कदीमी आसार सिंध की तहजीब में पाए जाते हैं। 8000 साल कबल मसीह बलूचिस्तान के शहर मेहरगढ़ से सिंध की तहजीब के इब्तदाई आसार मिलते हैं, और यही के लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को बुलंद किया, और आज से 3000 साल कबल मसीह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर कायम किए जो इस तहजीब का मरकज रहे। नाजरीन, इस दुनिया पर सिंध के कई एहसानात हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ने हथियारों से पाक मुआशरा कायम किया, जो नजरिया सिंध का आकाश है कि दुनिया को हथियारों से पाक किया जाए। दुनिया का पहला इनकलाब जरई इनकलाब था, जो सिंध से शुरू हुआ। जब इंसानों ने जंगलों से निकलकर गांव और शहर बसाना शुरू किए, तो इसका आगाज भी सिंध की तहजीब से हुआ। आज से 3000 साल कबल मसीह मोहनजोदड़ो के लोगों ने पक्की ईंटों से अपने घर बनाए, निकासी आपके लिए नालियां बनाई और वसी हमाम कायम किए, जो इस खित्ते में इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंजीनियरिंग की तारीख का मुंह बोलता सबूत है। मेसोपोटामिया के बाद पहिया सबसे पहले दुनिया में सिंध में इस्तेमाल किया गया। जमीन पे हल चलाने के लिए बैल का इस्तेमाल और तिजारत के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल सबसे पहले सिंध से हुआ। इस दुनिया में पहली सनत की बुनियाद भी सिंध ने ही रखी। सिंध ही में कपास से धागा और धागे से कपड़ा बनाने की मशीन अर्थ और अड़न्ना बनाई गई। अजरक का शाहकार डिजाइन भी सिंध ही ने बनाया, जो आज हमारे मुल्क का कौमी तोहफा भी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली सनत कायम होने की वजह से इंडस्ट्री का लफ्ज भी इंडस से निकला। इस तहजीब को अक्सर दो नामों से पुकारा जाता है, सिंध और इंडस। ये नाम कैसे पड़े, कब पड़े और किसने रखे, इसके लिए वीडियो आपको एंड तक देखनी होगी। 1500 साल कबल मसीह इस खित्ते में आर्यंस आए, और आर्यंस दरिया को अपनी जबान में सिंधु कहते थे, इसलिए आर्यंस ने इस तहजीब को सिंध का नाम दिया। ये तारीख में इस तहजीब को दिया जाने वाला पहला नाम था जो आर्यंस ने रखा। इससे पहले तारीख में इस तहजीब का कोई और नाम नहीं मिलता। आर्यंस ने इस धरती को अपनी माँ कहकर दुनिया को मादरे वतन का नजरिया भी दिया। 1000 साल कबल मसीह तक इस तहजीब का मजहब बुद्धिज्म रहा, जिसके आसार टैक्सिला और गंधारा में आज भी मौजूद हैं, और इसके बाद इस तहजीब का मजहब हिंदुइज्म में तब्दील हुआ। हिंदुइज्म की मशहूर और मारूफ तवील तारीफी नज़म महाभारत में भी सिंध का जिक्र मौजूद है। महाभारत में 1000 साल कबल मसीह सिंध को भारत वर्ष का हिस्सा बताया गया। 600 साल कबल मसीह सिंध में पहली ईरानी सल्तनत दाखिल हुई, और अजीम साइरस बादशाह ने दरियाए सिंध फतह किया। यहाँ पे हिंदुइज्म की अक्सरियत होने की वजह से ईरानियों ने सिंध को हिंद कहना शुरू किया, और ये इस तहजीब को दिया जाने वाला दूसरा नाम था। ईरानियों के बाद यहाँ यूरोप से यूनानी आए, और 400 साल कबल मसीह सिकंदर आजम ने सिंध को अपनी तहवील में लिया। यूरोपियंस ने हिंद को इंद कहना शुरू किया, और उसके बाद इंडस लफ्ज का इस्तेमाल हुआ। लफ्ज इंडिया भी इंडस से निकला है। इंडस इस तहजीब को दिया जाने वाला तीसरा नाम था। तकरीबन 300 साल कबल मसीह चंद्रगुप्त मौर्य इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, और टैक्सिला की दर्जगाह में आर्ट, साइंस और जंगी मशकों की तरबियत ली। यूरोपियंस का कब्जा आधे सिंध पे था, इसलिए उससे आगे के इलाकों पे मौर्य सल्तनत कायम हुई, और उन्होंने अपनी तहजीब को हिंद कहना शुरू किया, जो कि सिंध का ही दूसरा नाम था। और इस तरह तारीख में हिंद और सिंध एक तहजीब होने के बावजूद अलग अलग हुए। बाद में जब मौर्य सल्तनत अपने अरूज पे पहुंची, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों से जंग की और सिंध को अपनी तहवील में लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद महाराज अशोक ने भी सिंध पे हुक्मरानी की। मौर्यंस के 100 साल राज के बाद यहाँ अफगानियों ने यानी ग्रीको बैक्ट्रियन ने अपनी हुकूमत कायम की। इस दौर में बुद्धिज्म को दोबारा फरोग मिला, और रोहड़ी के मुकाम पर इसके आसार भी मिलते हैं। पहली सदी ईस्वी में सीथियंस ने मुख्तसर वक्त के लिए अपनी सल्तनत कायम की, और उनके बाद कुशन सल्तनत सिंध में दाखिल हुई। इन सल्तनत के आसार कहूजोदड़ो मीरपुर खास के मुकाम पर आज भी पाए जाते हैं। नाजरीन, तीसरी सदी ईस्वी में सैसनिड एम्पायर ने सिंध पे हुक्मरानी की। 4th सेंचुरी में सिंध पे कंट्रोल गुप्ता एम्पायर करा। 5th सेंचुरी में राय खानदान, और 6th सदी ईस्वी में ब्राह्मण्स ने सिंध पे हुकूमत कायम की, और याद रहे राजा दाहिर भी ब्राह्मण हुकूमत का हिस्सा रहे। 7th सेंचुरी में अरब में इस्लामी इनकलाब आया, और बनू उमैया के दौर में कई बागी गिरोह थे जिनको ब्राह्मण्स ने पना दी। बस इसी तनाजे को लेके उमवियों और ब्राह्मण्स में आपसी रंजिश कायम हुई। सिंध की साहिली पट्टी पे समुद्री डाकू यानी पायरेट्स ने अरबी काफले लूटना शुरू किए, जिसका इल्जाम बनू उमैया ने ब्राह्मण हुकूमत पे डाला, और हज्जाज इब्ने यूसुफ ने अपने जवान भतीजे मोहम्मद बिन कासिम की सरबराही में अरब से एक बड़ी फौज सिंध फतह करने के लिए भेजी। आरो रोड़ी के मुकाम पर राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की फौजों में एक खूनरेज जंग
जंग हुई जिसमें मोहम्मद बिन कासिम को फतह हासिल हुई और इसके बाद सिंध में इस्लामी सल्तनत का आगाज हुआ। अब्दुल्ला शाह गाजी वो पहले सूफी बुजुर्ग थे जो इसी दौर में सिंध आए, इंसानों को मुतासिर किया और चौक दर चौक लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। यूं अरब के बाद इस्लाम सबसे पहले सिंध में दाखिल हुआ और यही वजह है सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। 8वीं सदी से 10वीं सदी तक सिंध बनू अब्बास के जेरे असर रहा। यहाँ के लोग सर ढांपने के लिए पहले पगड़ी का इस्तेमाल करते थे और बाद में सिंधी टोपी का इस्तेमाल आम हुआ। 8वीं सदी में यहाँ तुर्कों की आमद हुई और सुल्तान महमूद गजनवी ने सिंध पे हमला करके यहां अपनी सल्तनत कायम की। इसी दौर में ईरान से अली हजवेरी यानी दाता गंजबख्श इंडस वैली सिविलाइजेशन तशरीफ लाए। 13वीं सदी में ममलुक्स ने हिंद में दिल्ली सल्तनत कायम की और इसी दौर में सुमरो खानदान ने सिंध पे राज किया। सुमरो बादशाह असल में अरब थे मगर सिंध धरती पे मर मिटने के जज्बे की वजह से इनको सिंधी राजपूत का लकब दिया गया। इसी दौर में ईरान से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और लाल शहबाज कलंदर की इंडस वैली सिविलाइजेशन में आमद हुई। एक ने सिंध बसाया और एक ने हिंद बसाया। 14th सेंचुरी में सम्मा खानदान ने सिंध पे अपना राज कायम किया। सम्मा खानदान ने ठट्ठा के करीब अपना दारुल खिलाफा बनाया और इसी सदी में मखली दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान वजूद में आया। 15th सेंचुरी में अरगून ने सिंध फतह किया जो मंगोल सल्तनत का हिस्सा थे। 16वीं सदी में अकबर बादशाह ने सिंध को अपनी तहवील में लिया और मुगल सल्तनत ने सिंध को कंट्रोल किया। 17th सेंचुरी में हाला के मुकाम पर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की पैदाइश हुई। सिंध में आर्ट्स और म्यूजिक को एक खसूसी अहमियत हासिल थी। यही वजह है कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी इन्वेंट किया जिसको तंबूरा कहते हैं। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान अपनी पोएट्री और म्यूजिक से एक हम आहंगी की फिजा कायम की। 18वीं सदी में मुगल सल्तनत ने यार मोहम्मद कलोड़ो को सिंध का गवर्नर बनाया और कलोड़ो खानदान ने सिंध पे राज किया। इस दौर में सूफी बुजुर्ग सच्चल सरमस की पैदाइश खैरपुर मीरस दराजा के मुकाम पर हुई। 19वीं सदी में सिंध पे टालपुर खानदान का राज रहा और इसी दौरान मुगल सल्तनत का जवाल और ब्रिटिश राज कायम हुआ। टालपुर बेसिकली कलोड़ो फौज में एक बलोच कबीला था। जब कलोड़ो ने टालपुरों के सरदार का कत्ल कर दिया तो टालपुरों ने कलोड़ो की सल्तनत उलट के रख दी। टालपुरों ने सिंध में सन के मुकाम पर एक वसी किला बनाया जिसको रनी कोट का नाम दिया गया और यह किला दुनिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। जब सिंध ने टालपुर की सरबराही में ब्रिटिश राज को मानने से इनकार कर दिया तो अंग्रेजों ने सर चार्ल्स नेपियर की सरबराही में सिंध फतह करने के लिए एक बड़ी फौज भेजी। ये एक खूनी जंग साबित हुई और सिंधियों की बहादुरी देख के अंग्रेज दंग रह गए। जनरल होश मोहम्मद शिदी ने इस जंग में एक अहम किरदार अदा किया और बहादुरी से लड़कर जामे शहादत नोश किया। अंग्रेज ये जंग जीत गए मगर जीतने के बाद भी होश मोहम्मद शिदी की बहादुरी को फरामोश न कर सके और सर चार्ल्स नेपियर ने एक फौजी एजाज के साथ हैदराबाद में इस बहादुर को सुपर्द खाक किया। जगीर में अंग्रेजों को हैदराबाद हमेशा भारी रहा। एक मैसूर का हैदराबाद जिसमें टीपू सुल्तान लड़े और एक सिंध का हैदराबाद जिसमें होश मोहम्मद शिदी लड़ा और इन दोनों जंगों में अंग्रेज ने अपनी दुश्मन की बहादुरी का खुद एतराफ किया। बहरहाल सिंध पे आखिरी हुकूमत ब्रिटिश राज की रही। इस वाली सिविलाइजेशन के इलाके सदियों तक रियासतों के जेर असर रहे और मुख्तलिफ तहजीबों ने इनके ऊपर हुक्मरानी की। यही वजह है कि कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से इनके लिबास लाइफ स्टाइल और जुबान में नुमाया तब्दीलियां आई। तहरीक आजादी की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यानी कश्मीर से खैबर, खैबर से पंजाब, पंजाब से बलूचिस्तान और सिंध ये सब मुमलिकत खुदादाद की सूरत में एक कौम बने और अब एक तहजीब बनने के मरहले में मसरूफ है। मेरे नजदीक पाकिस्तान इस तहजीब को दिया जाने वाला चौथा नाम है। तारीख और इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहम्मद अली जिन्ना की इस अजीम खिदमत को हमेशा याद रखेगी। सिंधी टोपी और अजरक इंडस वैली सिविलाइजेशन की आज एक शनाख्त है। हैरत इस बात की नहीं कि सिंधी एक ताकतवर सकाफत के मालिक हैं, हैरत इस बात की है कि इतना रिच कल्चर होने के बावजूद जब ये लोग सिंधी टोपी और अजरक पहनकर लोगों से मिलते हैं तो हाथ जोड़ के और आजी से मिलते हैं और इंसान को इज्जत देने की ये रिवायत सिंध को बाकी तहजीबों से मुनफरद कर देती है। इनके लोग खवातीन के हकूक के अलम बरदार साबित हुए जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पूरे आलम इस्लाम में पहली खातून वजीर आजम मुंतखब हुई। आज हमें अपनी तहजीब को पढ़ने और समझने की जरूरत है कि
कि जब दुनिया जहालत के अंधेरों में धसी हुई थी तब हमारी तहजीब एक रोशन सितारे की मानिंद थी। आज की तहजीब में भले ही हमारे लिबास, खाने, रहन सहन और जुबान मुख्तलिफ हो गई हों, लेकिन हमारी रिवायात जिसमें आजजी, मेहमान नवाजी और इंसान को इज्जत देने का जज्बा आज भी उतना ही पुराना है जितना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ जो भी लोग आए वो यहाँ की आजजी, मेहमान नवाजी और खलूस देखकर इस धरती के होकर रह गए। वो चाहे अफ्रीकन्स हो, अरब, पर्शियंस, अफगानी, तुर्क या यूरोपियंस, सब इस तहजीब से मुतासिर हुए। आज हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान इंडस वैली सिविलाइजेशन की मुकम्मल अक्कासी करता है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में गंधारा हो, पंजाब में हड़प्पा, बलोचिस्तान में मेहरगढ़ या सिंध में मोहनजोदड़ो, ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के मरकज हैं। अल्लाह हमें एक तहजीब याफ्ता कौम बनाए ताकि हम एक हकीकी फलाही रियासत कायम कर सकें। यदि सिंध की अजीम तारीख, अपने होस्ट कुमैल शाह को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।